अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों से आती है आवाज़। जिंदगी जाने क्या सफर ज़ेबा, 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 बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। ज़ेबा, ज़ेबा, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची। कुर्बान जाऊं तेरे। सही कहते हैं लोग, जिनके वक्त अच्छे होते हैं ना, उनके चेहरों पे अल्लाह का नूर होता है, जैसे तेरे पर है। अबू, अपनी बहू को देखें कितने नखरे हैं। दो घंटे से मैं आवाजें दे रही हूँ, मुझे जान पूछ के इग्नोर कर रही है। मैं बुलाता हूँ जुनैद। क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? शर्म आती तुझे हैं? तेरी बहन तुझे बुला रही है, मुस्तकिल बुला रही तेरी बीवी को, और तू अगर अपनी बीवी को लेकर कमरे में बैठा है, दरवाजा बंद किया हुआ है। अरे जवान कुंवारी बहन घर में बैठी हुई, शर्म नहीं आती तुझे? एसी चल रहा था ना, इसलिए बंद किया था। एसी नहीं चल रहा था, दिमाग चल रहा है, समझ आई ना? जब से तू लड़की को भगा के लेके आया ना, तेरा तो दिमाग ही नहीं मिलता, जादू कर दिया इसे तुझ पे। भगा कर नहीं लेकर आया हूँ, निकाह करके लाया हूँ। जिस निकाह में माँ बाप शरीक ना हो ना, तो दुनिया वाले उसको यही कहते हैं, भगाई हुई लड़की। हाँ चल बुला इसे, निको बुला रही है इसको, और इसको साफ साफ समझा दे तू कि जब तक ये इस घर में है, इसको निको की हर बात मांगनी पड़ेगी। अब्बू, ये बातें बाद में हो सकती हैं, प्लीज। ज़ेबा, कब से बुला रही हूँ तुम्हें, ऊपर आओ, मेरे बाल कर्ल करने, आओ जल्दी। चल ना जल्दी, चल। अभी तो मैं जिंदा हूं तो ये हशर कर रहा है तू, हैं? जब मैं मर जाऊंगा पता नहीं क्या हशर करेगा मेरी बच्ची का। शीशे में देखो, मुझे भी देखो, अब खुद को देखो। अब भी मुकाबला कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया? बाल क्यों खोले? वो तो बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। इन्हें प्लीज बांध लो। वैसे बाल आज मैंने खोले और
मुझे नहीं पसंद कोई मेरे जैसा दिखे। ऐसे भी तुम्हें भी अलग लगना चाहिए ना। ये नहीं, पूरा ऊपर पहुंच गई। गुड। सेबा, तुमने इतना ब्राइट कलर क्यों लगाया हुआ होंठों पे? सब कुछ ही मुझे सिखाना पड़ेगा ना। अब मेरी बात सुनो और माइंड मत करना, ठीक है? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। ऐसे रंग मुझ पे सूट करेंगे, यू नो, बिकॉज मेरा किरदार साफ है, तो मैं लगा सकती हूँ ऐसी लिपस्टिक। तुम लगाओगी ना तो बहुत शोख और फहाश लगेगा। और अब रियलिटी तो यही है कि तुम एक भागी हुई लड़की हो। तुम लगाती हो और इतने लाउड कपड़े पहनती हो, इतना ज्यादा तैयार होती हो, तो तुम्हारे किरदार पे नहीं सही लगता। लोग बातें करेंगे, बल्कि लोग बातें करते हैं। मुझे देखो, अभी तक किसी मर्द की मजाल नहीं है कि मुझे आंखें उठा के भी देखे। शादी से पहले ये सब तो मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम भाग के आई हो हमारे घर। हमारी फैमिली की इज्जत का ख्याल रखो। अब तुम आ ही गई हो इस घर में, तो जरा अपना तौर तरीका, अपना तैयार होने का अंदाज ले लो। प्लीज उतारो उतारो। मैं सोच समझ के तैयार हूँ। मैं सब कुछ तो तुम्हें सिखा नहीं सकती और लगी हूँ सही तरह। अरे बड़ी भगवान है मेरी बच्ची, क्या समझा तू? जिस दिन वो पैदा हुई थी 20 लाख की लॉटरी निकली थी मेरी, समझ आई? बस तू ये समझ कि पूरा खानदान उसके नसीब की खा रहा है। 100 बार सुन चुका हूँ। 100 बार सुन चुका है, यकीन तो एक बार भी नहीं आया ना तुझे? अरे मेरी बच्ची एक तो अपाहज है, फिर पराया धन है, शादी हो जाएगी चली जाएगी। रिश्ता आएगा तो शादी होगी ना, फिलहाल तो इस पराये धन ने मुझे ही पराया बना के रखा है। भौंके जा, भौंके जा और लुटाया जा मेरा माल सारा अपनी बीवी के ऊपर। ऐसा क्या लुटा दिया है? अच्छा ये जो झुमके पहन के घूम रही है, ताको माने अबू, भी क्या औरतों वाली बातें नोट कर रहे हैं? देख बात सुन ले तू, ये कारखाना मेरे नाम पे है, समझ आई? अगर मैं नजर ना रखू ना अपने माल पे, तो तू तो सब कुछ लुटा दे इसके कदमों में। अरे भगौड़ी है तेरी बीवी, जरा ख्याल कर। मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, यतीम बच्ची है वो यार, उसकी मामी पता नहीं किस बुड्ढे को बेच रही थी, तरस खा के मैंने उससे शादी कर ली है। आपने तो इसको ताने ही बना दिया मेरी मोहब्बत को, ऊपर से वो नगो हर वक्त उसको इसी बात के ताने देती रहती है। देख जुनैद, मैं कुछ कहूंगा ना तो तुझे बुरा लगेगा, माँ बन के पाला है तुझे इसने। माँ? हाँ मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल माँ बन के पाला है। जिस लबो लहजे में तू बात करता है ना उससे, बुरा तो लगेगा उस बेचारी को। हाँ फिर अपाहज है, सब कुछ उसके नाम का करके जाऊंगा मैं, सब कुछ, मेरे कारखाने, मेरा अकाउंट, बैंक बैलेंस, हर चीज। हाँ क्योंकि मुझे पता है, सब पता है मुझे कि तू क्या आचर करेगा मेरे बनने के बाद उसका। हाँ मुझे तो पता नहीं किसी मेले से उठाकर ले आए थे ना यार। आपको जरा सा खुदा का खौफ नहीं है कि आपके मरने के बाद वो नग्गो मेरा क्या हाल करेगी? जो भी करेगी सही करेगी वो। हाँ मुझे इसकी परवाह नहीं है। अरे मर्द है तू, मर्द अपनी लाडली बीवी के लिए मजदूरी करके उसको तो खाना खिला देगा, मगर मेरी अपाहज बच्ची का क्या होगा? बात सुन ले, सब कुछ उसका दिया हुआ है, इसके नसीब का है। जब से तू आया है हर चीज में नुकसान है मुझे। जिस दिन तेरी सालगिरह होती है ना, हर चीज में नुकसान होता है मुझे। अरे पूरी बात सुन के जा, तेरी बहन अपाहज है, कुछ ख्याल कर बेगैरत। घुस गया अपनी बीवी के बगल में, बाप बातें कर रहा है, खुद चला गया तू। अरे चोरू के गुलाम, एक ढेला नहीं छोड़ूंगा तेरे लिए। बाल पीछे करो सर।
वाह वाह खूबसूरत है, कहाँ से लिए? वो कल मेरा बर्थडे था तो जिन्होंने इतने गिफ्ट किए। हैप्पी बर्थडे, उन्हें बताया ही नहीं। ऐसे एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप तो मर गए हैं ना, तो तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बर्थडे कब आती है? वो स्कूल के रिकॉर्ड में था। ऐसे एक बात कहूँ? जी। मर्ज कितना बेहिस होता है, शादी के बाद कोई फिक्र नहीं, बस बाप का पैसा लुटाने लग जाता। दीदी नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जुनेद ने मुझे अपने पैसों से लेकर दिए। अच्छा, जुनेद ब्रेन सर्जन है या कोई लॉयर है या डॉक्टर है या क्या है जिसके अपने पैसे? हामी भरता ऑफिस जाता है, पैसा तो मेरे बाप का है ना। एक बात कहूं? जी। जरा दिखाना मुझे, मुझे आज के दिन so pretty. कैसा लग रहा है? प्यारा लग रहा है ना? दूसरा भी दिखा दो जल्दी ना। थैंक यू। स्टॉप नहीं, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा है। बाकी अच्छा, तुम ही काम करो, तुम जुनेद को गाड़ी स्टार्ट करके ना एसी लगा दे, बहुत गर्मी है। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, मैं फिनिश कर लेती हूँ। सिपाही, क्या हाल तुमने बनाया हुआ है? क्या हुआ है? इससे तो बेहतर था कि मैं बिक जाती, बाल खोलूं तो मुकाबलेबाजी करती हूँ। किरदार मशकूक है, इस वजह से डार्क लिपस्टिक नहीं लगा सकती। और अब तो मेरे कहने पर अपने अब्बू की जेब काट के मुझे झुमके दिलाए। जुनेद, इन सारी दफाओं के तहत तो मैं मुजरिम हूं ना? कहा भी था आपको कि आपके घर जाकर इज्जत से निकाह करते हैं, आपने ये बात भी नहीं मानी। बोला नहीं, मैं तुम्हें इज्जत के धागे से बांध के लेकर जाऊंगा। जुनेद, ये थी वो इज्जत? फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ करना का सब ठीक हो जाएगा। जाओ शावर, जाकर फ्रेश हो जाओ।
अबू। हाँ बेटा। आपको पता आज मैंने क्या खबर पढ़ी अखबार में? क्या पढ़ा मेरी बच्ची ने? एक बेटे ने ना जायदाद के पीछे अपने सगे बाप को जहर देके मार दिया। क्या? इसकी आवाज तो कम कर दो। हाँ हाँ बेटा, क्या 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 पढ़ा तुमने? क्या बताओगी, इतनी खबीस शक्ल थी ना उसकी। उसने कहा कि बाप मेरे नाम जायदाद नहीं कर रहा था और मेरा और मेरे बीवी बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा था, तो मैंने तंग आके बुड्ढे को जहर दे दिया। बस बेटे, कयामत की निशानियां हैं, कयामत की निशानियां हैं। निकलौता बेटा था। इसीलिए तो कहते ना लोग कि औलाद एक और नेक हो बस, वरना बेटी ही भली। आजकल तो बेटियों से ज्यादा पराए बेटे हैं। वैसे माँ बाप के पास बेटी ना हो ना तो माँ बाप जैसे यतीम होते। हम सारे बेटे एक जैसे नहीं होते। तू ज्यादा बकवास कर, गाड़ी चला तू, और ये गाना बंद कर, गाना बंद कर। कासिम, तेमुड़ पसंद है तुझे? और ये रहा दूल्हा का जोड़ा। या अल्लाह तुझे पहनना नसीब करना। या अल्लाह तो सफदर को मेरी सालिया के लिए खुशियों का वसीला बना दे। और मेरे प्यारे अल्लाह, ये घड़ी जो है ना, जब भी पहने बस कामयाबियां ही कामयाबियां मिले उसे। आमीन सुम आमीन। सब कुछ हो गया है। हाय अल्लाह, लिफाफा कहाँ गया? ओहो, ये लिफाफा कहाँ रख दिया मैंने? हाय अल्लाह, अल्लाह भी कितना करीम है। यहाँ मैंने सोचा और वहां तेरे दिल में डाल दी बात। आपका और मेरा दिल अलग का है, दोनों साथ रखते हैं। चल चल, बड़ा आया। माँ से दिल लगाएगा तो बीवी से जूते खाएगा। उसकी ये मजाल कि मेरी माँ के सामने मुझे जूते मारे। मारेगी? ऐसा आप रोकेंगे नहीं उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकूंगी। बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए ऐसी बीवी लाऊंगी जो मजाक करे थी मेरी जान। मैं तो तेरे लिए दुनिया से एक ऐसी लड़की चुनूंगी जिसका दिल सोने का हो, जो तेरा बहुत ख्याल रखे, बल्कि तुझे माँ से भी ज्यादा चाहे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी माँ से ज्यादा मुझे कोई चाहे। नॉट पॉसिबल। अच्छा, तैयारी होगी? हाँ, माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा हो गया बेटा, सब कुछ। सब कुछ? हाँ हाँ, सब कुछ बस। हाँ, परफ्यूम और वो जो शेविंग का सामान होता है ना बेटा, वो नहीं है इसमें। वो बतूल ने रखा है, वो तैयार होने गई है। जैसे ही आएगी इसमें रख देगी तो सारा मुकम्मल हो जाए। सारी तैयारी हो गई? हाँ बेटा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया सब। हाँ। और हाय तैमूर बेटा, मैंने बातों बातों में उन्हें बता दिया था कि हमारे यहाँ अंगूठियां पहनाने का रिवाज नहीं है। इतना खर्चा क्यों कर दिया बेटा? ये छोड़े इस बात को, इतने खर्चे हो गए हैं वहाँ। ये भी सही, जी सदा खुश रहे। लेकिन बेटा तो बहुत मेहनत करता है, जब इतना खर्च करेगा तो माँ का दिल तो कटेगा ना। मियां अल्लाह करके हमें ये दिन देखने को मिला है। आपको अंदाजा नहीं है आज सारे बाजी की वजह से मैं कितना खुश हूँ। सच कह रहे थे, मैं भी बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र। नहीं तो मैं तो सोची थी कि शायद ये कभी होगा ही नहीं। हाँ, बादब बा मुलाहिजा, होशियार ताए अब्बू आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। जा जाके इस्तकबाल कर उनका, बिठाओ उन्हें। अच्छा बेटा चलो, तुम भी जाकर सलाम कर लो और जरा अदब से सलाम कर। अम्मी रात ताए अब्बू आए, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया बेटा।
बड़े हैं हमारे, कौन सा रोज रोज आते हैं। इसीलिए अम्मी भी उनके अबक की आदत नहीं, छोड़े ना। अच्छा छोड़ ना, बड़े हैं, इज्जत से पेश आना। अच्छा चलो ऐसा करो, ये पकड़ो पकड़ो, और मैं जा रही हूँ, और बेटा तुम आ जाना है, मैं बतूल को भेजती हूँ। बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा चल चल, बड़ा आया तू, चल हट। मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी मैं खुद आ जाऊंगी अगर जरूरत पड़ी तो। ओके अबू, ये ना असल में दूल्हा दुल्हन के बैठने की जगह है। तो मैं जानता हूँ, समझ जाए, जानता हूँ मैं, जब वो आएंगे तो हट जाएंगे। तू मुझे कहते थे तो क्या हो जाता, ताया तुम्हारे बड़े का लिहाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो बैठो, वो झल्ली है, हमेशा कुछ गलत कह देती है, इसे माफ कर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो, कैसे हो बेटा? मैं ठीक, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। मगर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ निगार भाई, कजन तो घर पे आते हैं पहले से, रौनक लगाते हैं, मेला लगाते हैं, और तुम अब आई हो। कितनी दफा मेला लगवाएंगी चाची, पिछले साल तो इतनी धूमधाम से मेहंदी की थी इनकी। बस क्या करते बेटा, वो दूल्हा का एक्सीडेंट हो गया था, चल बसा वो। कोई बात, खुशी का घर गमी में बदल गया हो। सब अल्लाह ताला की आजमाइश, अल्लाह ताला की आजमाइश, उसके पसंदीदा बंदों को जाती है। तू ही संग रहना, ना ही अंग चेहरा। माँ से तो रोज ही मिलता है, ताई से भी मिल ले। कैसे हैं? कैसे हैं? मन मोरा लागे नहीं सांवरे, मन मोरा लागे नहीं। और तेरी बैंक ब्रांच कैसी चल रही है? एक ब्रांच नहीं, अल्लाह का शुक्र है, चार ब्रांचेस हैं, चार ब्रांचेस का हेड बन गया, ऑफिसर बन गया है, हैं? मन मोरा लागे नहीं। वो क्या कहते हैं, साला मैं तो साहब बन गया हैं। चाची अब लगता है काफी कम लोगों का अरेंजमेंट है ना, मैं तो ऐसे इतना तैयार हो गई। अरे बाबा की गुड़िया है तू, बाबा की गुड़िया है, और बाबा की गुड़िया तो हमेशा बनी नहीं रहती है। इनका बस चले ना तो किताब लिखते मेरी तारीफों में। हाँ पर वाकई और लोग आ रहे? नहीं बस यही है, वो दूल्हा वाले आएंगे और हम लोग हैं और मोहल्ले के दोस्त अहबाब, बस कोई 50 लोग हो जाएंगे ना तकरीबन। इतने हैं 50 लोग? वैसे भाभी एक बात पूछूं, ये मंगनी का टंटा खड़ा करने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी हैं, दो चार लोगों को इकट्ठा करते, रुखसत करते शादी करके? वो दरअसल भाई साहब लड़के की ख्वाहिश थी कि कोई रस्म हो जाए, वो दुबई में रहता है ना लड़का। लड़का तलाक याफ्ता है या रंडवा है? जी, बीवी का इंतकाल हो गया था, एक बच्ची छोड़ गई है पीछे बेचारी। तभी तो कह रहा हूँ कि इन चोटियों की क्या जरूरत है, इनकी उम्रें तो देखो। मैं मेहमान तक कहता हूँ। जी भाई साहब, आपके लिए कोई ठंडा वगैरह लाओ? मैंने कोई जरूरत नहीं है, पानी वानी तो किसी ने पिलाया नहीं, पूछा नहीं, मैं भिजवाती हूँ। शुक्र है तैमूर भाई, आपने मुझे थाम लिया, वरना मेरी तो सारी तैयारी जहर हो जाती। आपको पता है जब से मैं तैयार हुई हूँ ना, एक मिनट के लिए नहीं बैठी, क्योंकि इस्त्री ना खराब हो जाए, ये तो पता नहीं रास्ते में आते आते मनहूस धागा लग गया मुझे। मेरा हाथ तो छोड़े,
किसी ने देख लिया तो खामखा हम पे शक करेगा। सॉरी। आधे लोग आ गए हैं, आधे लोग आने वाले हैं, बारात निकल चुकी है और दुल्हन मैडम तस्बीह पढ़ने से फारिग होंगी तो तैयार होना शुरू होंगी ना। सालिया बाजी प्लीज बाकी की आप नमाज वापस आके पढ़ लीजिएगा, अभी आप चेंज करें। बाथरूम तो गीला है, आप यहीं पे चेंज कर लें। तुम दोनों बाहर जाओ। क्यों? कपड़े बदलने हैं ना। हाँ तो हमारी पीठ है, आप चेंज करें। नहीं भाई, मुझे शर्म आती। सालिया बाजी प्लीज अब आप वक्त मत जाया करें, जल्दी से चेंज करें। रुको तुम दोनों यहीं पर, मैं जाती हूँ अम्मी के पास जाके चेंज। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, आप दुल्हन हैं, हम बाहर चले जाते हैं, आप प्लीज चेंज कर लें प्लीज। सालिया बाजी ध्यान से कहीं खिड़की ना खुली हो। सफदर भाई आप प्लीज उधर आके बैठे, यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई वहाँ पहले कहीं बैठे हो क्या? उठे उठे उठे। निगार 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 जी, बुलाया आपने? जी वो मैं कह रहा था कि अगर आप काइंडली किसी और जगह बैठ जाएं, उन्होंने बैठना है रस्म कर। थैंक यू। प्लीज बैठे बैठे आइए। ये देखिए बाजी कितनी प्यारी लड़की है, लेकिन लंगड़ा कर चल रही है। बेटा हाथ आगे करो, आगे बढ़ाओ अपना हाथ बेटा। भाई साहब, भाई साहब आप हमारे बड़े हैं, आप ही आके रसम कीजिए। आइए आइए, आप पहना दीजिए मुझे। भाभी बड़ी खुशी हुई भाई हैं कि तूने हमें शामिल किया इस खुशी में। बात दरअसल यह है कि मैंने अपने जीते जी अपनी जगह अपनी बेटी निगो को दे दी है, वो ये रस्म करेगी। हैं निगो, निगो बेटा, हे बच्चा, हाँ बेटा रस्म कर ले, शाबाश। नहीं आप करें। अरे बेटा इनको क्या पता कि तू कितनी किस्मत वाली है, बड़ी किस्मत वाली है मेरी बच्ची भाई। हैं जब ये पैदा हुई थी तो 20 लाख का इनाम निकला था मेरा, 2 कारखाने,
जायदाद ही जायदाद है। उसकी वजह है कि जब मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ ना, तो इसका मुबारक चेहरा देके जाता हूँ। जितना भी मुनाफा होता है इसके हाथ में रख देता हूँ। फिर मुनाफा दिन दूनी रात चौकी तरक्की करता है। बड़ी किस्मत वाली है। आजा बच्चे, आजा ना। नहीं अब्बू, आप करें प्लीज। शर्मा रही है, बहुत शर्माई शर्माई बच्ची है। बहुत किस्मत वाली, बहुत किस्मत है। ला भाई, चल ला ला भाई। मुबारक हो, मुबारक हो। ये साइज तो सही लेके आना था। क्या भाई, मुंह मीठा करो। लो बेटा, ले ये ले बेटा, तू भी खा ले, खा ले ये। क्या भाई, मुबारक है, मुबारक है भाई, मुबारक है, मुबारक है। निगार, निगार जी, बुलाया आपने? अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई। क्या हुआ? आ जाएं, आइए। नहीं है, नहीं है, आ जाएं, आ जाएं। ये तो बड़ा शर्मा रही है। और वो जो मंगनी पर सफदर भाई के हाथों में हाथ दिया हुआ था, वो मैंने कोई हाथ नहीं रखा था। अम्मी आप कहें ना इन्हें। भाई जो भी कहो, हाथ तो आपने दिया हुआ था उनके हाथों में। अरे भाई, सब लोग वहां पर थे, देखा था ना तुमने, मैंने कोई हाथ पकड़ाया था? मैंने देखा था, देखा था। इन्होंने हाथ में हाथ रखा हुआ था। वो अम्मी, आपने नहीं कहा था हाथ पड़ा? अंगूठी पहनानी है, इसी ने दिया था, मैंने थोड़ी ना पकड़ा था। अलिया बाजी, हाथ तो आपका था ना। सोचें, किसी नामहरम के हाथ में हाथ, रोजा की आग। तौबा तौबा तौबा। वैसे तनूर भाई, मैंने सुना है तोजक की आग बड़ी खतरनाक होती है। तोबा तोबा, बहुत खतरनाक होती है भाई। अम्मी आप कहे ना इन्हें, मुझे कब से डराए जा रहे हैं। और बात सुनो, तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों की कोई सजा नहीं है? मैं बता रही हूँ, इस तरह किसी को डराना भी ना अच्छी बात नहीं होती। देखना, एक दो बार तो तुम दोनों भी जाओगे तोजक में, मैं तो बच जाऊंगी। सीधा कह दूंगी मैं, अम्मी ने कहा था, अम्मी का हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम सदर भाई। अरे बस बस बस, मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि एक ही मजाक पे बार बार डर जाऊँ। और मेरी बात सुनो, इस तरह किसी शरीफ इंसान को बदमाश कहना क्या अच्छी बात है? तुम लोगों की कोई सजा नहीं होगी। मैं बता रही हूँ अल्लाह मियाँ की, आप बहुत सख्त सजा है, बोल रही हूँ मैं, सुन लो, गुनाह मिले तो। अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई, कैसे हैं? प्लीज सफदर मियाँ, बैठो ना, बैठो। ये दोनों मिलके ना सालिया को तंग कर रहे थे, तो वो चाय गिर गई, मैं माफी चाहती हूँ। अरे बतूल आओ बेटा, सफाई तो करो। कैसे आना हुआ बेटा? वो कल वापस जा रहा हूँ। अच्छा, जी सोचा आप लोगों से। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। निको बेटा, निको बेटा, क्या हुआ अबू? बेटा ये तेरा नाम प्लॉट कर दिया है मैंने, और ये चेक बुक भी है, ये जरा साइन कर दियो। वैसे सच्ची बात यह है कि जुनैद का नाम निकाल दिया मैंने प्लॉट से। हाँ, तूने मुझे बताया था ना कि एक बाप को उसके बेटे ने इसलिए मार दिया कि उसकी बीवी ने कहा था जहर देकर। मैंने सोचा जुनैद भी यही ना करे मेरे साथ, हैं? तेरे नाम करवा दिया है मैंने बस। लेकिन देख, तू इंसाफ करियो, हैं? इंसाफ से दे दियो उसको जब जरूरत हो, मगर कंट्रोल अपने पास रख। बहुत अच्छे, मेरा हर काम ही क्या है चौकीदारी के सिवा। चौकीदारी किस बात की बेटा, हुक्मरानी है, हुक्मरानी। तन्हाई और नामुरादी को मुख्तलिफ नाम देके हम अपने आप को खुश करते हैं। वो कौन सा शेर था अबू गालिब का, हम जानते हैं जन्नत की हकीकत को, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कैसी बातें कर रही है तू? ऐसे
बस कभी कभी अपनी जन्नत की ख्वाहिश जाग उठती है। क्या कमी है तेरी जिंदगी में? कुछ नहीं अबू, सिवाय इसके कि ये घर आपका और आपके बेटे का और आपकी बहू का। अभी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप हैं। कल को आप नहीं होंगे तो आपकी बेटी इस कमरे में बंद आपके पोते पोतियों के कहके सुन रही होगी। देख बेटा, मैंने तो बड़ी कोशिश की तेरा रिश्ता हो जाए, लेकिन कुछ लोगों को तू समझ नहीं आई और कुछ लोग तुझे समझ नहीं आए। नहीं समझ पाए मुझे। मैंने भी सुबह सुबह क्या बातें करके अपने अब्बू को परेशान कर दी। कोई बात नहीं, आप बताएं, मंगनी पे मजा आया? क्या मजा आना था, बस भाई की यतीम औलाद थी इसलिए चला गया। वैसे जब से तैमूर को नौकरी मिली उसके तो हालात ही बदल गए हैं। मैंने नोट किया था, गाड़ी में भी काफी अच्छी आया था, वो लेटेस्ट मॉडल थी कोई। वैसे बड़ी जल्दी तरक्की कर ली है तैमूर ने। वैसे जब से पैसा आया है हैंडसम भी हो गया। अजीब बात है ना अबू, जब पैसा आता है तो चेहरे पे वजाहत आ जाती है। पैसा आता है ना तो बेटा सब कुछ आ जाता है, इंसान की जोन बदल जाती है। नए नए कपड़े, नए नए डिजाइन, क्रीमें श्रीमें, ये वो, स्टाइल बदल जाता है इंसान का। पैसा बहुत बड़ी चीज है बच्चा। वैसे अबू चाची भी ना अल्लाह मियाँ की गाय है, उनकी बहू जो भी होगी बहुत खुशकिस्मत होगी। बाकी सासों की तरह चंडाल नहीं है, राज करेगी उनकी बहू। वासु, तैमूर पसंद है तुझे? चल मैं बात करूंगा आज। बात करूंगा बेटा। अच्छा इस पे साइन कर देना। अच्छा तेरे इश्क में हम कहीं मर ना जाए, पिला दे जहर हम यूं ही मर ना जाए। अरे बड़ी भगवान है मेरी बच्ची, जिस दिन वो पैदा हुई थी 20 लाख की लॉटरी निकली थी मेरी। इनका बस चले ना तो किताब लिखते मेरी तारीफों में। वो बहू बन के हमारे घर आ जाएगी ना तो जैसे इस घर में चांद उतर आएगा। अरे मेरी बच्ची एक तो अपाहिज है, शादी हो जाएगी चली जाएगी। रिश्ता आएगा तो शादी होगी ना। मेरे लिए सभा मांगती आएगी राज दाखला से। कितनी प्यारी लड़की है लेकिन लंगड़ा कर चल रही है। हम जानते हैं जन्नत की हकीकत को, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब भी ख्याल अच्छा है। मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने पर।